गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का 10th लेसन का रिवीजन करेंगे। वो क्या है? एंडोक्लेस एंड द लायन। एंडोक्लेस एक इंसान का नाम है और लायन शेर को बोलते हैं। तो पहले रीड करते हैं। लॉन्ग अगो इन रोम लिव्ड अ मैन कॉल्ड एंडोक्लेस। ही वॉज अ स्लेव। स्लेव्स वर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स। दे वर्कड हार्ड ऑल डे। दे वर गिवन वेरी लिटिल फूड एंड वर ट्रीटेड क्रूअली। ये क्या कहानी है? बहुत समय पहले की बात है, ये कहानी हुई थी रोम में। तो रोम में एक आदमी रहता था जिसका नाम था एंडोक्लेस। वो एक स्लेव था। स्लेव मतलब आप बोल सकते हैं, स्लेव किसको बोलते हैं बच्चों? नौकर को बोलते हैं। पहले क्या होता था कि राजा महाराजाओं की बहुत से फौज होती थी, तो उसमें जो आदमी रहते थे वो नौकर की तरह काम करते थे। उन लोगों को नौकरों की तरह काम करवाया जाता था और इतना मारा जाता था कि मतलब पूछिए मत। काम अगर नहीं समय पे होती तो उन लोगों को कोड़े से मारा जाता था। उन लोगों को बहुत कम खाना खाने को दिया जाता था। उन लोगों का मन नहीं करेगा फिर भी ज़बरदस्ती उन लोग से काम करवाया जाता था। और दिन भर उन लोगों को काम करवाएंगे एकदम जानवरों की तरह और बहुत कम खाने को देंगे। ये पहले वो लोग करते थे, पहले के राजा महाराजा लोग करते थे। वन नाइट एंडोक्लेस रैन अवे फ्रॉम हिज क्रूअल मास्टर। एक रात क्या हुआ, एंडोक्लेस अपने राजा के पास से भाग गया। आई कांट बेयर दिस क्रुएल्टी एनी मोर। अब एंडोक्लेस क्या बोलते हैं, मेरे से अब ये नहीं बर्दाश्त हो रही है। वो बहुत क्रूअल है। मतलब क्रूअल का मतलब क्या होता है बच्चों? जो जिसमें कोई दया माया नाम की चीज़ नहीं होती है उसको क्रूअल बोलते हैं। इफ़ आई रन अवे टू अनदर कंट्री आई वॉन्ट बी अ स्लेव आई विल बी अ फ्री मैन आई विल फाइंड वर्क एंड बी हैप्पी। वो क्या बोलता है जब वो भाग जाता है राजा अपने राजा के पास से? तो वो बोलता है मैं दूसरे देश में चला जाऊंगा, मैं और नौकर नहीं रहूंगा, मैं एक इंसान आज़ाद इंसान रहूंगा और मैं खुशी से अपना ज़िंदगी बिताऊंगा और काम करूंगा। एंडोक्लेस रीच्ड अ फॉरेस्ट एज द सन रोज ही फाउंड अ केव एंड हिड इन इट। ही न्यू द सोल्जर्स फ्रॉम रोम वुड सून स्टार्ट लुकिंग फॉर हिम। एंडोक्लेस अब क्या होता है, वो भागते भागते कहाँ आता है, एक जंगल में जा पहुँचता है। और वहाँ पे वो क्या देखता है, एक गुफा दिखता है उसको। वो सोचता है ये सबसे अच्छी जगह है छुपने के लिए, तो वो जाके गुफा के अंदर छुप जाता है। और वही फिर मन में सोचने लगता है कि ज़रूर राजा के सब सिपाही लोग मेरे को ढूंढ रहे होंगे। और ये सोचते हुए वो उसके अंदर गुफा के अंदर घुस जाता है। अब क्या होता है, एंडोक्लेस वॉज अफ्रेड देन ही सॉ अ लायन वॉकिंग इन टू द केव। It was limping. It lay down near the mouth of the cave. When Androcles walked up to it, it did not move. The lion was busy licking into one of his paws. A long thorn was stuck in it. अब क्या होता है, देखिए ऊपर पिक्चर बनी हुई है बच्चों, और देखिए छोटे क्लाउड्स में ना कुछ लिखा हुआ है। पहले देखिए ऊपर सबसे ऊपर में येलो बॉक्स में क्या दिया हुआ है, सडनली एंडोक्लेस हर्ड अ नॉइज। क्या होता है, अचानक से उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। फिर क्लाउड वाले अंदर बॉक्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट्स दैट नॉइज, अ बियर, अ लायन, आई कांट इवन रन आउट ऑफ हियर। अब क्या बोलता है वो एंडोक्लेस, ये क्या चीज़ का आवाज़ है, एक भालू है कि शेर है, अब मैं बाहर भी तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो शेर बाहर से ही तो आ रहा था अंदर गुफा के। तो एंडोक्लेस बहुत डर जाता है। उसके बाद वो क्या देखता है, एक शेर आ रहा है जो लिम्पिंग मतलब लंगड़ रहा है, बेचारा ठीक से चल नहीं पा रहा है, और आके वहाँ पे गुफा के मुँह के पास आके बैठ जाता है। फिर एंडोक्लेस आस्ते से हिम्मत करके वो उसके पास जाता है और क्या देखता है कि शेर अपना पंजा, उसका चोट लगी हुई है उसके पंजे में, तो उसको वो चाटने लगता है, लिक मतलब चाटने लगता है। और फिर क्या देखता है एंडोक्लेस, उसके पैर में एक बहुत बड़ा कांटा चुभा हुआ है। Androcles slowly lifted the lion's paw. The lion roared and sat down. But Androcles did not let go. He pulled out the thorn. He tore a piece of cloth from his tunic and bandaged the paw. अब क्या होता है, Androcles आस्ते आस्ते उसके पास जाता है, उसका पंजा उठाता है और फिर देखता है, जब वो उसका पंजा उठाता है तो उसको बहुत दर्द होता है, तो वो बहुत गुर्रा के शोर करता है। लेकिन फिर भी एंडोक्लेस कोशिश करता है कि उसका पॉ पकड़ के, मतलब उसका पंजा पकड़ के हाथ में अपने, वो उस कांटे को उसमें से उसके पंजे से निकालता है। निकालने के बाद वो क्या करता है, अपना वो पहले के लोग ना छोटे छोटे फ्रॉक टाइप के पहनते थे अंग्रेज के टाइम में, तो वो क्या कि अपने कपड़े में से एक टुकड़ा फाड़ के उसके घाव पे उसको बांध दिया।
उसके पंजे पे जहाँ काटा छुपी हुई थी ना, वहां वो बांध दिया। अब क्या होता है, द लायन डिड नॉट हर्ट एंडोक्लिस। अब वो जब वो उसको कपड़े से बांध दिया, बैंडेज कर दिया, तो शेर उसको कुछ नहीं किया। एंडोक्लिस डिसाइडेड टू स्टे इन द फॉरेस्ट, बट वन डे सम सोल्जर्स पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट कॉट हिम। एंडोक्लिस ये सोचता है कि ये सबसे अच्छी जगह है, और वो शहर, वो बहुत दिन तक जंगल में था। एक दिन क्या होता है, एक सिपाही वहीं से जब गुजर रहा था तो वो देख लेता है एंडोक्लिस को, और फिर उसको पकड़ के लेके जाता है राजा के पास। स्लेव्स हु रैन अवे फ्रॉम देयर मास्टर्स वर थ्रोन इन फ्रंट ऑफ हंग्री लायन। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल केम टू वॉच इन द इन एन एरेना। क्या होता है, पहले के क्या होते थे राजा लोग, जब उनके कोई सिपाही या कोई नौकर भाग जाता था तो वो लोग क्या करते थे, उसको पकड़ के लेके आते थे, और एरेना के बीच में, आप जैसे देखे होंगे जैसे दंगल वगैरह में, आप देखते हैं ना दंगल जैसे होती है, चारों तरफ लोग बैठ, स्टेडियम टाइप का, आप बोल सकते हैं स्टेडियम टाइप का रहता है, और बीच में मिट्टी रहती है, और चारों तरफ लोग से भरे हुए रहते हैं, उसको एरेना बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, जो जो चोर या फिर मजदूर जिनका बात नहीं सुने, या फिर कोई सिपाही भाग गया तो, या फिर नौकर भाग गया, तो वो लोग उस एरिना के बीच में उसको ला के वहाँ रखा जाता था, और एक शेर वहाँ पे आता था, और शेर, उसके शेर के संग उसको लड़ना पड़ता था। अगर वो जीत जाता था तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं जीतता था तो फिर शेर उसको खा जाता था। ये उसकी सज़ा होती थी जो लोग राज्य से भाग जाते थे। एंडोक्लिस टू वॉज ब्रॉट इन एन एरिना वेयर ही हैड टू फेस अ हंग्री लायन। अब एंडोक्लिस को भी वहाँ बीचों बीच फेंक दिया गया था शेर के सामने। अब अ लायन स्टेप्ड आउट ऑफ द केज। अब क्या होता है, एक शेर अपने पिंजरे से बाहर निकलता है, वहाँ पिंजरे में करके शेर को उस एरिना में छोड़ दिया जाता है, तो शेर अपने पिंजरे से बाहर निकलता है। इट रोड एंड लीप टूवर्ड्स एंडोक्लिस। अब वो क्या होता है, जब पिंजरे से शेर को छोड़ा जाता है तो बहुत गुर्रा के तेज़ी से दौड़ा वो एंडोक्लिस के पास, और एंडोक्लिस के पास जाके उसको पकड़ लिया। द क्राउड चीयर्ड एंड क्लैप, और सब क्राउड बहुत खुशी से ताली बजाने लगी और बहुत खुश होने लगे। उन लोगों को लगा कि उसको खा जाएगा। तो जब कुछ ऐसी होती है ना सीन्स, तो लोगों को बहुत मज़ा आता था पहले। उसके बाद क्या होता है, सडनली द लायन स्टॉप्ड, इट लुक्ड एट एंडोक्लिस एंड स्टार्टेड लिकिंग हिज फेस। तो अचानक से क्या हुआ, जब उसके ऊपर झपटा तो अचानक से शेर रुक गया, और फिर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, और फिर देख के उसको चाटने लगा उसका चेहरे को। द क्राउड फेल साइलेंट, एंडोक्लिस कुड नॉट बिलीव हिज आइज, ही हग्ड द लायन, इट वॉज द सेम लायन दैट ही हेल्प्ड, द लायन रिमेंबर्ड हिज काइंडनेस। अब क्या होता है, जब वो देखता है कि शेर उसको जब चाट रहा है, उसको कुछ कर नहीं रहा है, तो क्या होता है, जितने भी वहाँ पे लोग थे सब शांत हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं भाई क्या बात है कि उसको खा नहीं रहा है, ना उसको अटैक कर रहा है, और बल्कि उसको चाट रहा है। तो एंडोक्लिस को विश्वास नहीं हुआ कि वही शेर था जिसको वो, जिसके पैर से उसने कांटा निकाला था, और वो शेर को गले लगा लेता है। और शेर लेकिन ये चीज़ भूला नहीं था कि उसकी मुसीबत के टाइम में वो उसकी मदद किया। As people started clapping again, Androclus said, "An animal has been kinder to me than any man." अब क्या होता है, जब लोग ये सब देखते हैं ना तो ताली बजाने लगते हैं, उनको लगता है जैसे कोई शो चल रहा हो। फिर Androclus ये बोलता है कि इंसान से ज़्यादा अच्छे तो जानवर है जो अपनी अच्छाइयों को भूलते नहीं है, किसी का मदद किया हुआ वो लोग कभी नहीं भूलते, लेकिन इंसान हमेशा ये चीज़ भूल जाता है। द एम्परर सेट बोथ Androclus एंड द लायन फ्री। क्या होता है, Androclus जो राजा थे वहाँ के, वो एंडोक्लिस को और वो शेर को, दोनों को आज़ाद कर देते हैं। यही है कहानी। और बच्चों प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे, अच्छे से नीटली अपना वर्क कंप्लीट करिए। हर एक्सरसाइजेस जो मैंने दिया है आपको, उसको अच्छे से नीटली कॉपी में कंप्लीट करिए, बुक में भी कंप्लीट करिए, और जल्द से जल्द मेरे पास सेंड करिए। बाय फ्राइडे आप लोग को ये चीज़ सबमिट करना है। प्लीज़ फ्राइडे को आप लोग स्कूल में बुक्स एंड कॉपीज़ अपने इंग्लिश की सबमिट करवा दीजिएगा।